क्लास सेवंथ एक्सरसाइज सेवनटीन बी दिस इज एक्सरसाइज सेवनटीन बी एंड क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर आप अपनी बुक सामने रखेंगे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आप उसको समझेंगे द गिवन टेबल शोज द मार्क्स ओबेंड बाई गौतम इन द एग्जाम अपियर फॉर इन दर टू थाउजेंड सेवेंटीन एक बच्चा होता है जिसका एग्ज़ाम हो रहा है तो एग्ज़ाम फाइव सब्जेक्ट्स का हुआ है मैथमेटिक्स, इंग्लिश साइंस हिंदी एंड सोशल स्टडीज़ इसमें फोर एग्ज़ाम्स पूरे साल में हुए हैं टर्म वन हाफ ईयरली टर्म थ्री एंड फाइनल एग्ज़ाम तो उसने कितना स्कोर किया है वो टेबल में दिया हुआ वही टेबल मैंने यहाँ पर बनाया और आप समझेंगे मैथ्स की बात करें जो पहला टी वन एग्जाम हुआ उसमें टोटल मार्क्स फिफ्टी होते हैं एंड ही गॉट फोर्टी फोर मार्क्स दूसरा एग्जाम हुआ हाफ ईयरली उसमें हंड्रेड मार्क्स होते हैं एंड ही गॉट नाइन्टी मार्क्स फिर तीसरा एग्जाम होता है टी थ्री आउट ऑफ फिफ्टी ही गॉट फोर्टी टू इन मैथ्स एंड इन फाइनल एग्जाम विच इज हैविंग मैक्सिमम है टू मार्क्स लाइकवाइज देयर इज द मार्किंग सिकीम गिवन फॉर ऑल द फाइव सब्जेक्ट्स मैथ साइंस इंग्लिश हिंदी एंड सोशल स्टडीज ओके तो सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है पार्ट नंबर ए इसका जो बुक पर बना हुआ है लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ डबल बार ग्राफ शोइंग द परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिकोर्ड इन मैथ्स एंड साइंस परसेंटेज हमें दिखानी है ग्राफ में देखो बेटा मैथ की बात हम करें मैथ में जो टी वन एग्जाम हुआ है इसमें टोटल मार्क्स फिफ्टी होते हैं और बच्चा लेता है फोर्टी फोर मार्क्स अगर पचास में से उसने फोर्टी फोर ले तो हंड्रेड में कितने हो गए वो एटी एट डबल इसका साइंस के उसके आते हैं थर्टी नाइन तो डबल करके वो सेवेंटी एट बनता है इंग्लिश के आते हैं थर्टी थ्री तो उसकी परसेंटेज हो गई सिक्सटी सिक्स परसेंट ये ना परसेंटेज होती है ये 33 50 में से तो परसेंटेज हो गया 100 में से वो 66 बन जाता है 36 दैट इज इक्वल टू 72% समझ गए ना आप इसी तरह सोशल स्टडीज 37 अगर हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे 37 को डिवाइडेड बाय 50 100 अगर 50 में जाए एमिस सत्र तो हाथ में जनस ना एमक डबल दैट इज 74% 74% इसी तरह हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है इसमें हंड्रेड में से मार्क्स हैं तो 90 90 परसेंट हो गया एटी थ्री परसेंट सेवेंटी वन परसेंट सेवेंटी सेवन परसेंट एंड सेवेंटी फाइव परसेंट फिर टी थ्री एग्जाम होता है इनका इसमें से फिफ्टी में से मार्क्स हैं तो इसकी परसेंटेज डबल हो जाती है ना फोर्टी टू इट इज एटी फोर परसेंट फोर्टी दैट मीन्स एटी परसेंट पंचा मन चत गई शीत थर्टी फाइव दैट मीनज सेवेंटी परसेंट

बनाना है मैथ्स एंड साइंस का तो एग्जाम वाइज ग्राफ बनाना है नीचे हम ऑब्जर्वेशनस लिखते हैं हॉरिजेंटल लाइन जो बनती है इसमें ऑब्जर्वेशनज और जो वर्टिकल लाइन होते हैं इस पर हम फ्रीकवेंसी लिखते हैं ऑब्जर्वेशन है टी वन दूसरी ऑब्जर्वेशन है हाफ ईयरली तीसरी ऑब्जर्वेशन है टी थ्री एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज फाइनल एग्जाम तो फ्रीकेंसी हो गए मार्क्स परसेंटेज में फाइव मैंने गैप बनाई है फाइव फाइव की फाइव टेन फिफ्टीन टवेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव ये बराबर बराबर गैप है आप इसके लिए बार ग्राफ पेपर भी ला सकते हैं फोर्टी फोर्टी फाइव फिफ्टी इसी तरह हंड्रेड तक हमें जाना है सिर्फ दो सब्जेक्ट्स का, का काम करना है हमें मैथ्स एंड साइंस का लेट एस स्टार्ट मैथ्स के लिए जो टी वन में परसेंटेज है दैट इज एटी एट परसेंट तो T1 के लिए जो मैंने रेक्टेंगुलर बार खड़ा करना है T1 के लिए ये पहला है मैथ्स का इट इज टचिंग 90 को 88 परसेंट फिर इसी में साइंस के आते हैं 78 परसेंट अब इसी के साथ डबल बार ग्राफ में इट इज 78 परसेंट यहां पर 75 फाइव इट इज 80 दिस इज 78 परसेंट ये हो गया मैथ और ये हो गया साइंस फॉर T1 अब हाफ ईयरली एग्जाम हाफ ईयरली में मैथ में इसको आते हैं नाइन्टी परसेंट नाइन्टी परसेंट मैथ के यहां पर एक रेक्टेंगुलर बार खड़ा करना है इतना रेक्टेंगल जितना पहला बनाया हमने ये मैथ है हाफ ईयरली का और इसमें साइंस में हाफ ईयरली में, में कितने परसेंट आते हैं एटी थ्री दिस इज एटी दिस इज एटी थ्री ये आ गया साइंस एंड द ऑब्जर्वेशन इज हाफ ईयरली हाफ ईयरली इसी तरह एक और ऑब्जर्वेशन हमारे पास है टी थ्री टी थ्री में मैथ की कितने आते हैं मैथ एटी फोर परसेंट एटी फोर ये होता है एटी फाइव की बिल्कुल करीब दिस इज एटी फोर आप स्केल को यूज करेंगे रोलर को ये रेक्टेंगल बनाने के लिए दिस इज मैथ टी थ्री में और साइंस टी थ्री में आता है आ, साइंस uh, आता है 80 परसेंट ये हो गया एट्टी परसेंट दिस इज साइंस और ऑब्जर्वेशन है टी थ्री अब फाइनल ऑब्जर्वेशन जो तो फाइनल की है उसमें फाइनल ऑब्जर्वेशन में मैथ में आते हैं नाइन्टी टू परसेंट दिस इज नाइन्टी एंड दिस इज नाइन्टी टू परसेंट लगभग ये हाइट होनी चाहिए अप टू नाइनटी टू और साइंस में इसमें आते हैं एटी सिक्स परसेंट दिस इज एटी फाइव एंड दिस वन विल बी 86 दिस इज मैथ एंड दिस इज साइंस फॉर फाइनल ऑब्जर्वेशन है फाइनल एग्जाम्स तो इस तरह से ये जो मैंने यहां पर पार्ट ए किया है इसी तरह पार्ट बी में आपको करना है कंस्ट्रक्ट ए डबल बार ग्राफ शोइंग द परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिकॉर्ड इन टू लैंग्वेज एग्जाम लैंग्वेज तो यहां पर दो हैं एक है हिंदी और दूसरी लैंग्वेज है इंग्लिश इन दोनों लैंग्वेज एग्जाम की परसेंटेज लिखने है, बिल्कुल इसी तरह आपको डबल ग्राफ बनाना है सो दैट यू विल गेट द परसेंटेज एंड यू विल शो द परसेंटेज इन दिस वेरी एग्जाम